सिंगरौली जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दखल न्यूज ने अवैध उत्खनन की खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर माइनिंग अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत जब्त की है। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत मिल रही थी। इस खबर को दखल न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद दखल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ और दखल न्यूज की खबर को संज्ञान में लेते हुए सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और सिंगरौली एसपी निवेदिता गुप्ता ने माइनिंग अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर जिला माइनिंग अधिकारी ए के राय और उनकी टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। जिला माइनिंग अधिकारी ने कहा कि आगे भी अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे। बलियरी में सूचना मिली थी कि वहाँ पे अनाधिकृत रूप से रेत एकत्र करके रखा गया है। जांच करने पे पाया गया कि 200 घन मीटर रेत वहाँ पे पड़ी हुई है लावारिस रूप से, पता नहीं चला कि किसने निकाल के रखा है। उस समस्त रेत को जब्त करके और फिर उसे हम लोगों ने सुरक्षित रखवाया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।